दोस्तों, मैं यहाँ एक बैग में 1.22 सीएफटी क्यूबिक फीट कैसे आता है ये बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट बॉक्स रहता है वो हम 1.22 सीएफटी का बनाते हैं, लेकिन वो मालूम नहीं रहता है किसी को कि हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहले रीजन ये है कि एक बैग में 1.22 क्यूबिक फीट होता है, तो वो कैसे आता है चलिए सीख लेते हैं। वन बैग में 1.2 सीएफटी कैसे आएगा? हमको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट, जैसे कि हम मैं इधर लिख चुका हूँ कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, बराबर, वी नो दैट। और इन वन बैग 50 केजी होता है, ये तो हर इंजीनियर को, मैक्सिमम लोगों को मालूम है। तो एक सीमेंट बैग में, सीमेंट बैग 1440 केजी में कितना सीमेंट बैग आएगा, बराबर ना? जैसे ये पर केजी पर क्यूबिक मीटर, तो एक क्यूबिक मीटर में 1440 केजी जो दे रहा है पर क्यूबिक मीटर, तो हम क्या करेंगे, उसको बैग में कन्वर्ट करेंगे केजी को, तो कितना बैग आएगा, 28.8 बैग आएगा, ठीक है। और वन क्यूबिक मीटर में कितना, 35.3 सीएफटी आता है, तो ये क्या करेंगे, हम दोनों कंपेयर कर देंगे, 28.8 बैग और 35.3 सीएफटी, तो अपने को वन बैग इज इक्वल टू 35.3 डिवाइडेड बाई 28.8 आ जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन वन बैग में 1.22 सेफ्टी आता है। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये हमको सिर्फ सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सीमेंट मालूम होना चाहिए और एक बैग में कितना केजी होता है, तो उसको हम डिवाइड करने के बाद जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट है उसमें वन क्यूबिक मीटर में कितना बैग आता है, अगर वो मालूम हो जाता है तो उसको हम सेफ्टी से डिवाइड कर, सेफ्टी को उस बैग से डिवाइड करके एक बैग का सेफ्टी हम मालूम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि नॉलेज सबको हो। और एक बात मैंने बताया कि 1.22 सीएफटी जो रहता है, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि हम जो मेजरमेंट बॉक्स बनाते हैं 1.22 सेफ्टी का ही बनाते हैं, ठीक है। तो रिमेम्बर दैट, इसके हिसाब से ही हम मेजरमेंट बॉक्स बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले, थैंक यू।